ग्राम मचाकला में हुआ निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन, सैकड़ों मरीजों का किया गया उपचार। 2 माह से ज्यादा समय से किया जा रहा है डॉक्टर सलोनी धाकड़ द्वारा निशुल्क उपचार। डॉक्टर सलोनी धाकड़ के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। पोहरी विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव में डॉक्टर सलोनी सिंह धाकड़ द्वारा देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्वालियर के सहयोग से काफ़ी लंबे समय से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे बीमार मरीज जो अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए निरंतर ग्राम स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। इसी के तहत पोहरी विधानसभा के ग्राम बचा कला में विशेषज्ञों द्वारा मरीजों का पंजीयन कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कैंप, ये कैंप क्या है कि काफ़ी लंबे समय से जो है इस क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं डॉक्टर सलोनी धाकड़ जी, वो उनका एक देवराज सिंह इंस्टीट्यूट के नाम से एक हॉस्पिटल ग्वालियर में बहुत बड़ा उन्होंने चालू किया है और उसी से जुड़ी ये एम्बुलेंस सेवा पूरे क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से चल रही है और इस एम्बुलेंस से ये पूरा जो पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में अच्छे डॉक्टरों को दिखाने नहीं जा सकते हैं और उससे ये एम्बुलेंस गांव-गांव पहुंचकर बेसहारा बुजुर्ग वृद्ध लोगों का की सेवाएं कर रहे हैं ये लोग और अच्छे डॉक्टर इसमें साथ में चल रहे हैं, साथ में दवाएं भी दे रहे हैं। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है, इस उपलक्ष्य में ये कैंप इस गांव में लगाया गया था और इस कैंप में डॉक्टर सलोनी धाकड़ जी, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं इस प्रदेश की, वो स्वयं उपस्थित हुई हैं। उनके नेतृत्व में पूरे पोहरी विधानसभा क्षेत्र में ये कैंप लगातार इसी प्रकार चल रहे हैं और इससे